discuss the CAT 2022 application form, how to fill the application form. राइट बच्चे देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दो वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे मैंने कैट 2022 के नोटिफिकेशंस के इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स थी वो डिस्कस किए एंड सेकंड में मैंने जो आप कॉमन मिस्टेक्स कर सकते हो कि आपको कैसे वो अवॉइड करनी है दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली स्टूडेंट्स हर साल कर देते हैं तो आपको उन चीजों का ध्यान में रखना है वो सारी चीजें मैंने वहाँ पे डिस्कस की है ठीक है तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए एंड इन दिस सेशन मैं डिस्कस करने वाली हूँ मैं पूरा आपको एक कैट फॉर्म फिल करके यहाँ पे दिखाऊंगी कि क्या क्या चीजें वहाँ पे पूछी जा रही है ताकि आप लोग जब अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट करो तो आपके माइंड में रहे आपको ये चीजें लेके बैठनी है आपके पास फोटो कितने साइज का होना चाहिए सिग्नेचर कितने साइज का होना चाहिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स कहाँ पे आपको एंटर करने हैं तो वो सारी चीजें आप अपने साथ में लेके बैठे सेकेंड थिंग आपको बच्चे कैट का फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है क्योंकि कॉस्टली फॉर्म है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंड की अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है और आपको नहीं पता चलता तो आपको जब आपका एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम आएगी या फिर आपको एडमिशन के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी कई बार हम लोग ईमेल आईडी गलत भर देते हैं तो हमारे पास जो फर्दर कम्युनिकेशन है वो सब ईमेल के थ्रू होने वाला है तो वो हमसे मिस आउट हो सकता है तो आपको यहाँ पे सारी चीजों को ध्यान में देना है एंड इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर करूंगी तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं अपने इंटरनेट पे ठीक है तो हम वहां पे टाइप करेंगे जस्ट वन सेकेंड मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ स्क्रीन तो स्क्रीन पे जब आप मोजिला गूगल फायरफॉक्स आप किसी पे भी जा सकते हो तो जब मैंने यहाँ पे आपके साथ में स्क्रीन शेयर की तो ये है मेरे पास स्क्रीन इसे मैंने लिखा आई एम आपको देखो टाइप क्या करना है आपको सिंपली उन्होंने आई एम की वेबसाइट भी दिया है imcat.ac.in आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जो कैट 2022 की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उस पे आप आ जाएंगे अब आप यहाँ पे देखो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन अगर आप रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया तो इस पे करना है और अगर इफ यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड बट आपको बाकी के डिटेल्स फिल करनी है तो आपके पास लॉगिन यहाँ पे लॉगिन आप कर सकते हो देखो एक चीज का ध्यान रखना बच्चे लास्ट डेट भले आपके पास 14 सितंबर है बट आप उससे पहले अपना एडमिशन फॉर्म अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो फी है एप्लीकेशन फी वो आपकी डिडक्ट हो जाती है लेकिन वो 2-3 दिन बाद अपडेट होती है तो आप प्लीज टाइम से अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है कि जो ये आपके पर्सनल डेटा है एप्लीकेंट्स नेम डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस ये यूज किए जाएंगे फॉर द ऑफिशियल कम्युनिकेशन चलिए तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे मैंने नेम ऑफ द कैंडिडेट तो नेम ऑफ द कैंडिडेट डाल देती हूँ मैं हमेशा अपने भाई का फॉर्म भरती हूँ यहाँ पे तो आज भी मैं उसी का फॉर्म भर देती हूँ रजत अहलावत आपको पूरा नाम यहाँ पे डालना है जो आपका 10th के सर्टिफिकेट में है ठीक है ओनली अल्फाबेट्स आर अलाउड जो भी आपके 10th के सर्टिफिकेट में आपका नाम है वो एज इट इज नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है अब हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ में हम लोग जाएंगे डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी जून 16 1999 ईमेल एड्रेस मैं ईमेल एड्रेस यहाँ पे उसी का ईमेल एड्रेस डाल देती हूँ जस्ट वन सेकेंड RHPAHLAWAT0458@gmail.com ठीक है कंफर्म ईमेल एड्रेस कर लेते हैं RHPAHLAWAT आपकी ईमेल आईडी बच्चे अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं मैंने बाकी की जो ईमेल की इंपॉर्टेंस है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताई है प्लीज उस पर ध्यान देना ठीक है कंट्री में मैंने यहाँ पे इंडिया डाला अब मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर मैं आपको शो नहीं करना चाहती तो इसलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर देखो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल के जनरेट ओटीपी करेंगे तो वो आपसे ओटीपी का कंफर्मेशन पूछेगा तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टॉप करके वहां पे मोबाइल नंबर डाल देती हूँ ठीक है तो आपको मोबाइल नंबर डालना है ठीक है करेक्ट होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए ये चीज का ध्यान रखना आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद आप वहां पे जनरेट ओटीपी करेंगे तो एक कैप्चा वो आपसे मांगेगा कैप्चा को आप सही से डाल दीजिए 2Q4E तो मैंने यहाँ पे सबमिट किया जब आप कैप्चा को सबमिट करेंगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा काइंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर तो मोबाइल नंबर पे यहाँ पे मुझे ओटीपी आ चुका है मैं ओटीपी डाल देती हूँ ठीक है ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी करेंगे मैसेज आएगा ओटीपी हैज बीन सक्सेसफुली वैलिडेटेड तो आई एग्री जब आप आई एग्री करेंगे तो आप यहाँ पे एक कैप्चा डालेंगे कैप्चा वो डालने के बाद XNV2N4Q
तो जब आप कैप्चर डालेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपके पास में डिटेल आ जाएगी। देखो इस टाइप से आपके पास मैसेज आएगा यहाँ। अब उसको आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, ठीक है। एंड वापस से जाने के बाद में बच्चे, जब आप वहां पे पहले लॉग आउट कर दीजिए, और जब आप वहां पे लॉग आउट कर देंगे तो आपको एक ऐसा स्क्रीन आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कीजिएगा, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जब आप फर्स्ट पेज पे जाते हो तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, तो आप इस पे लॉगिन करेंगे। तो आपकी जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड है वो आपको डालना है और इसको लॉगिन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालोगे, कैप्चर डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो आपके पास में कुछ ऐसा एक पेज आएगा। वापस से फिर आप यहाँ पे देखिए गो टू एप्लीकेशन। तो जब हम यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके पास कि जब आप रजिस्टर करो कि आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो है वो थोड़ा टाइम ले सकता है। तो आप लोग ये टेंशन मत लेना कि अभी मेरा यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं आया है, तो ये आपका 10 to 15 मिनट्स के बाद भी आपका ये आ सकता है। तो आप रजिस्टर करके छोड़ दीजिए जब तक आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं मिल जाता। देन जब हम लोग गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास में टोटल 6 टैब्स है, पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक वर्क एक्सपीरियंस, प्रोग्राम, टेस्ट सिटी एंड पेमेंट। चलिए तो पर्सनल डिटेल मैंने यहाँ पे फिल की हुई थी, कैंडिडेट का नाम। अब नाम के बाद देखो, कैंडिडेट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड कैंडिडेट लास्ट नेम। मैंने आपको जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी अवॉइड दिस कॉमन मिस्टेक्स, उसमें भी मैंने यही चीज डिस्कस की थी। जब आप वहां पे नाम डाल रहे हो तो आप अपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी वहां पे मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, वो आपको डालना है। इफ यू डोंट हैव मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, अगर आपकी मार्कशीट में नहीं है तो आप सिर्फ फर्स्ट नाम यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे डाला REGAT, दिस इज द फर्स्ट नेम, मिडिल नेम नहीं है, तो लास्ट नेम इज ALAWT। तो मिडिल नेम एंड लास्ट नेम आर नॉट कंपलसरी, बट कंपलसरी का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे फर्स्ट नेम, आपकी मार्कशीट में आपका नाम रजत अहलावत है लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम डाल के छोड़ देते हो, नो। जो भी आपकी मार्कशीट में है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, जो भी नाम है, वो आपको कंप्लीटली यहाँ पे एंटर करना है। देन उसके बाद फादर या गार्डियन नेम, तो फादर नेम में मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक के साथ आपको डालना है आपके 10th की मार्कशीट आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली, तो अनिल कुमार अहलावत, ठीक है। मदर नेम, अब जैसे मैंने वहां पे भी बोला था, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स की मार्कशीट में मदर नेम नहीं है, तो आपको मदर नेम, अगर किसी भी सर्टिफिकेट में आपके मदर नेम नहीं है तो आपको उनकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे मदर नेम डाल सकते हो। स्पाउस नहीं है, ठीक है, तो स्पाउस नेम। अब यहाँ पे आते हैं हम अदर पर्सनल डिटेल्स पे। डेट ऑफ बर्थ मैं ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर चुकी थी। कैंडिडेट जेंडर मेल, नेशनलिटी इंडियन, ठीक है, बट ऑब्वियस। कैटेगरी, अब देखो यहाँ पे आप कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी आपके पास कौन कौन सी है, जनरल, EWS, NCOBC, SC, ST। तो आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो आपको उस कैटेगरी में डालना है। जैसे सपोज अगर मैं NCOBC डाल देती हूँ, तो देखो NC नॉन क्रीमी में जब आप OBC डालते हो तो आपको सर्टिफिकेट इश्यू डेट आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। जो भी आपके सर्टिफिकेट की इश्यू डेट है वो आपको यहाँ पे डालनी है। एंड सेकेंड इज, तो देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे डालू तो August 22 है, तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि August 22 अगर आप यहाँ पे पहले जाए तो जुलाई भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप, लेकिन जो आपके सर्टिफिकेट की डेट है इश्यू होने की आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट डालोगे। तो मान लीजिए मेरा 1 August 2022 है, तो अगर आप यहाँ पे जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपका, तो कैटेगरी आपकी और उसका सर्टिफिकेट इश्यू डेट एंड यहाँ पे एंट्री नंबर ऑफ द कास्ट, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे EWS डालती हूँ तो EWS में भी आपको सर्टिफिकेट इश्यू डेट डालनी है। अगर आप SC डालते हो तो SC में भी आपको स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ कैटेगरी, किस कैटेगरी में, मतलब किस स्टेट टेरिटरी की आप बात करो। ST डालते हो तो उसमें भी आपको डिटेल डालनी है। तो मान लीजिए अभी के लिए अगर मैं EWS डालती हूँ और EWS की अगर मैं यहाँ पे मतलब डेट, इशूइंग डेट अगर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, और अगर मैं यहाँ पे 22 में 1 अगस्त ही ले लेती हूँ, ठीक है, ये इशूइंग डेट है, ये मैंने यहाँ पे डाल दी, चलो 4 अगस्त डाल देते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास में स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ कैटेगरी, मतलब किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। तो मैंने यहाँ पे जस्ट सपोज उत्तर प्रदेश डाल दिया। देन आपको सीरियल एंट्री नंबर ऑफ द कास्ट, जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर, जो एंट्री नंबर है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पे कास्ट ट्राइब नेम, अब देखो EWS तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जनरल आ ही गया, क्योंकि EWS कैटेगरी के वही स्टूडेंट्स होते हैं जो जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो बच्चे अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप उसका सर्टिफिकेट रेडी रखो, क्योंकि यहाँ पे आपको उसकी इश्यू डेट, उसका नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा।
तो मैं अब वापस से अपना यहाँ पे जनरल डाल देती हूँ। जनरल है तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट एंट्री नहीं करनी है। डू यू बिलोंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यू डी कैटेगरी में, आप एक्ट 2016, अगर येस, देखो अगर आप यहाँ पे येस करते हो तब आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी, यूडीआईडी नंबर, ठीक है, आपके पास में जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो, डिसेबिलिटी मेजरेबल येस और नो मतलब वो आपको दिया है, एंड पीडब्ल्यू डी कैटेगरी आपकी कौन सी है वो सब आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आप नो करते हो तब तो आपको ये डिटेल नहीं चाहिए। अब यहाँ पे वैक्सीनेशन पूछा है, फर्स्ट कोविड वैक्सीनेशन डेट एंड सेकेंड कोविड वैक्सीनेशन डेट। देखो एस्ट्रिक मार्क यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है तो कंपलसरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके बिना आपका फॉर्म नहीं फिल किया जाएगा, बट अगर आपका वैक्सीनेशन हुआ है तो अपने आप से डेट मत डाल देना, आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जो डेट होती है वो आपको यहाँ पे डेट एंटर करनी है। तो मान लीजिए मेरी फर्स्ट वैक्सीन थी जुलाई में, 1 जुलाई को, एंड मेरी सेकेंड वैक्सीन यहाँ पे जब सपोज मैंने लगवाई 2021 में ही, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 2021 में, जस्ट सपोज यहाँ पे नवंबर में मेरी सेकेंड वैक्सीन लग गई, ठीक है। तो अगर आपके दोनों कोई भी एक वैक्सीन हुई है तो दो, एक दो हुई तो दोनों, तो आपको वैक्सीनेशन डेट यहाँ पे डालनी है। ये ऑप्शन है तो आप उसमें ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस भी वहाँ पे रख सकते हो। इमरजेंसी मोबाइल नंबर, यस इसको जरूर डालिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इमरजेंसी मोबाइल नंबर डाल देती हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट, जिसका आप नंबर डाल रहे हो उसका रिलेशनशिप आपके साथ क्या है। Then upload documents. अब देखो यहाँ पे documents में आपको दिया है scanning of a photograph, signature and valid SCST, NCOBC, PWD, EWS certificate should be done using a scanner only. देखो मैंने general category डाला था तो सिर्फ मुझसे photo and signature ही यहाँ पे मांगेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे category EWS या जो भी category में यहाँ पे डालती हूँ तो उसके according आप लोगों को यहाँ पे certificates भी आपको upload करने होंगे। प्लीज क्लिक हियर द फोटो स्पेसिफिकेशन, देखो फोटो के लिए उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको फोटो की डिटेल मिल जाएगी कि आपका कैसा फोटो होना चाहिए। तो प्लीज अपलोड योर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ ओल्ड, जो फोटो है प्रिंट शुड बी क्लियर विद अ कंटिन्यूस टोन क्वालिटी, इट शुड हैव अ व्हाइट ऑफ व्हाइट बैकग्राउंड, मतलब ऐसा कलरफुल बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ऑफ व्हाइट या व्हाइट बैकग्राउंड आपको चाहिए, फुल फेस, नेक एंड शोल्डर, फ्रंट व्यू एंड आई ओपन। तो जैसे मान लीजिए मैं इस कैमरे में बैठी हूँ तो मेरी यही इमेज आ रही है, मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड व्हाइट होनी चाहिए या ऑफ व्हाइट होना चाहिए, ठीक है, फुल फेस आना चाहिए, नेक एंड शोल्डर, फ्रंट व्यू एंड आईज आपकी ओपन होनी चाहिए, स्पेक्स के बिना आप ऐसे पूरा आईज आपकी ओपन, ऐसे नहीं कि ऐसे फोटो खिंचाओगे, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, आईज आपकी ओपन होनी चाहिए। मैक्सिमम साइज आपका 1 MB, फाइल फॉर्मेट JPEG और JPG फॉर्मेट ही सपोर्ट रहेगा, ठीक है। अपलोड द सेम फोटोग्राफ विच यू विल एफिक्स ऑन द एडमिट कार्ड, वही सेम फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, वही सेम आपको एडमिट कार्ड के टाइम पे लेके जाना है, तो इस चीज का ध्यान में रखना। एंश्योर दैट द फोटोग्राफ इज स्कैंड प्रॉपरली यूजिंग अ स्कैनर ओनली, प्लीज डोंट यूज मोबाइल फोन और अदर मोबाइल एप्लीकेशन टू स्कैन योर फोटोग्राफ। तो आपका जो फोटोग्राफ है वो प्रॉपर आपका स्कैन होना चाहिए। देखो इन्होंने सही भी बताया है, जैसे यहाँ पे देखो ये ब्लर हो रहा है, यहाँ पे देखो थोड़ा येल्लो येल्लो सा फोटो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे साइड में पोज मारते हुए नहीं, ऐसा नहीं, फ्रंट फेस का फोटो होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप ऐसे, क्योंकि आप ऐसे स्टाइल के लिए फोटो नहीं खिंचा रहे हो, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो है तो यहाँ पे करेक्ट उन्होंने बताया हुआ है कि किस टाइप से आपको आईज आपकी विजिबल होना चाहिए, ऐसा फोटो नहीं होना चाहिए कि ऐसे छोटू सा फोटो दिख रहा है, प्रॉपर एक फोटोग्राफ होना चाहिए। स्पेक्स अगर आप लगाते भी हो तो ऐसे ब्लैक वाले, मतलब स्पेक्स नहीं होने चाहिए जिसमें आपकी आईज ना दिखाई दे, ऐसे पोज नहीं मानना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे बताई है, तो आपका जो फोटोग्राफ है वो आपका प्रॉपरली आपको अपलोड करना है। चलिए तो यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड कर लेते हैं हम लोग, तो मैं यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड कर देती हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप द फाइल हियर। फाइल का साइज उन्होंने बताया था मैक्सिमम साइज आपके पास 1 होना चाहिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये फोटो यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब सिग्नेचर भी मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, तो ब्राउज सिग्नेचर, ठीक है, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली, क्लोज कर देती हूँ मैं यहाँ पे अपलोडेड। देखो यहाँ पे मैसेज आ गया आपके पास में अपलोडेड, सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है, डेटा सेव सक्सेसफुली। तो मैंने यहाँ पे जितनी भी पर्सनल डिटेल्स थी वो आपकी सक्सेसफुली अपलोड कर दी है ना। अब आपके पास में आया है आर यू, अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सॉरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट। तो एकेडमिक डिटेल्स पे मैं यहाँ पे आती हूँ। इन केस ऑफ ग्रेड CGPA द कन्वर्जन टू परसेंटेज ऑफ मार्क्स वुड बी बेस्ड ऑन द प्रोसेसेस सर्टिफाइड। मैंने वीडियो में भी आपको लोगों को बताया है कि जो भी आपके इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी का जो मेथड है CGPA से परसेंटेज कन्वर्ट करने में, वही यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप 10th के इक्विवेलेंट बोर्ड आप यहाँ पे लिखोगे, जस्ट सपोज मैं यहाँ पे बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन
हाँ सीबीएसई डाल देते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मंथ और ईयर ऑफ कंप्लीशन, तो आपने मान लीजिए कंप्लीट किया है, यहाँ पे 2022 चल रहा है अभी, तो 2018 में आप लिखते हूँ। मैक्सिमम मार्क्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, इफ यू हैव एडिशनल सब्जेक्ट इन 10th एंड 12th तो आपके उसके भी आपको मार्क्स यहाँ पे एंटर करने हैं इंक्लूसिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो अगर आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट भी है तो उसके भी मार्क्स आपको यहाँ पे एंटर करने हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे मार्क्स थे यहाँ पे 500, टोटल ऑब्टेन मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स को ऐड करके यहाँ पे 600, तो एग्रीगेट परसेंटेज आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको मैं 480 ले लेती हूँ, आपकी जो भी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डालना है, पॉइंट के बाद दो डिजिट तक आप जा सकते हो, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 80.00, ठीक है, 80% मेरा यहाँ पे बन गया है। उसके बाद आप 12th में डालोगे, 12th टाइप या इक्विवेलेंट डिप्लोमा, तो 12th है तो 12th, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। एग्रीगेट परसेंटेज, मैक्सिमम मार्क्स इंक्लूसिव, अच्छा ये ऑप्टेंड है, यहाँ पे आएगा 600 और यहाँ पे आएगा आपका 480, ठीक है। ये गलती मत कर देना आप लोग, वैसे तो आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा, बट फिर भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना कहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है, कहाँ पे ऑप्टेंड मार्क्स है। देखो इन्होंने एग्जाम्पल भी बोला, इफ मैक्सिमम मार्क्स इज 600, टोटल मार्क्स ऑप्टेंड इज 421, देन द एग्रीगेट परसेंटेज इज दिस, तो आपको राउंड ऑफ करके लिखना है 70.17। उन्होंने ये चीज क्लियरली मेंशन की है, अगर 69.33 है तो 69.33, तो आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करके लिखना है, जो आपका मैथ्स का राउंड ऑफ करने का तरीका होता है। अब अगर मैं यहाँ पे 12th इक्विवेलेंट लिखती हूँ, 12th इक्विवेलेंट बोर्ड और नेम, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मंथ और ईयर ऑफ कंप्लीशन, तो मान लीजिए आपका अप्रैल में कंप्लीट हुआ 2020 में, ठीक है, 2020 में आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पे। डिसिप्लिन आपका जो भी था, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या अदर्स, तो अगर आपके पास आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में से नहीं है तो अदर्स। मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 500 और यहाँ पे है मेरे ऑप्टेंड मार्क्स आर 450। अगर आपके मैक्सिमम मार्क्स ऑप्टेंड मार्क्स नहीं है तो आपके जो फॉर्मूला होता है सीजीपीए का, उसी से आपको कन्वर्ट करके लिखना है यहाँ पे, ठीक है। एग्रीगेट परसेंटेज आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 90%, ठीक है, ये मार्क्स आ गई। इन्होंने पूरा समझाया हुआ है यहाँ पे, मैक्सिमम मार्क्स इंडिकेट द समेशन ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 5 सब्जेक्ट विद 100 मार्क्स असाइन टू ईच सब्जेक्ट, कैंडिडेट शुड बी पॉपुलेट द मैक्सिमम मार्क्स, प्लेस होल्डर एज 500, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, यस डेफिनेटली आई विल एड्रेस योर क्वेश्चन। आर यू इन द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, तो यस। हैव यू कंप्लीटेड बैचलर डिग्री, तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आपने यहाँ पे यस किया तो 9 में ही आएगा। अब देखो यहाँ पे बच्चे आपको टोटल ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री, तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 3 इयर्स, तो आपकी मैक्सिमम 6 इयर्स तक की डिग्री है। अगर मैं डिग्री आपकी 3 ईयर की डिग्री बोलती हूँ तो करंट सेमेस्टर आपका कौन सा होगा, तो करंट सेमेस्टर मेरा यहाँ पे चल रहा है 5th, ठीक है। टाइप ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यहाँ पे जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, स्टेट और यूनिवर्सिटी टारगेट, सॉरी मतलब टेरिटरी, तो उत्तर प्रदेश। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन नेम, तो जस्ट सपोज मैं यहाँ पे कोई भी ऑल इंडिया अलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डाल देती हूँ। नेम ऑफ द कॉलेज, तो मेरे कॉलेज का नाम, अभी मैं जस्ट ऐसे डेटा फिल कर रही हूँ, तो एक्स वाई जेड मेरे पास कॉलेज है, जो भी आपके कॉलेज का नाम है उसका प्रॉपर कॉलेज का नाम यहाँ पे डालोगे। डिग्री का नेम क्या है, जस्ट सपोज बैचलर ऑफ आर्ट्स है। डिसिप्लिन आपके पास कौन सा है, तो मैंने यहाँ पे एसेसरीज डिजाइन, जो भी आपका है वो आपको करेक्टली यहाँ पे फिल करना है। ग्रेजुएशन स्ट्रीम नॉन इंजीनियरिंग, मंथ ईयर ऑफ कोर्स कमेंसमेंट, तो आपका यहाँ पे उसने बोला है, यहाँ पे उसने बोला है कोर्स कब से आपका स्टार्ट हुआ था, कोर्स मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो गया था जून 2020 से। प्रोबेबल मंथ ईयर ऑफ कंप्लीशन, तो कब आपका कंप्लीट हो जाएगा, प्रोबेबली मेरा कंप्लीट हो जाएगा जून 2023 में, ठीक है, 23 के बाद है भी नहीं। एग्रीगेट मार्क्स और प्रमोशन पास विदाउट मार्क्स, देखो मुझसे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मैम अगर हम प्रमोटेड स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास तो मार्क्स है नहीं, तब हम क्या करेंगे, तो बच्चे यहाँ पे दिया हुआ है कि एग्रीगेट मार्क्स या फिर प्रमोशन हुआ आपका पास विदाउट मार्क्स। तो देखो अगर आप प्रमोटेड स्टूडेंट हो, क्योंकि आप कोविड एरा के स्टूडेंट हो, तो अगर आप यहाँ पे प्रमोटेड स्टूडेंट हो तो आप प्रमोटेड पे करोगे। डू यू हैव एनी अंडरगोइंग डुअल और 5 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, अगर आप यस करते हो तो आपको डिटेल मतलब यस करना है और नहीं तो नो यहाँ पे। If you have dual degree with both bachelor and master, जैसे BTech, MTech, BTech, MSc, enter the appropriate detail on the bachelor master degree selection. अब यहाँ पे click here if you have more than one bachelor degree, अगर आपके पास है तो नहीं yes और नहीं तो नहीं। Master degree details, तो do you want enter master degree detail? अब बच्चे आपने ऊपर ही डाल दिया है कि आपने यहाँ पे
आपने यहाँ पे कोई भी आपका डुअल डिग्री प्रोग्राम नहीं है, अगर आप यस करते हो तब आपको ये डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। अदर प्रोफेशनल डिग्री है तो यस, नहीं तो नो, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया। तो सारी डिटेल्स आप फिल करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे सेव एंड सबमिट कर देंगे, ओके आएंगे। अब नेक्स्ट पे आ गए हम लोग वर्क एक्सपीरियंस। मैंने आपसे बोला था कोई भी इंटर्नशिप या ग्रेजुएशन से पहले का वर्क विल नॉट कंसीडर एज अ वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस, अब देखो मैम हमारा तो अगले साल तक 6 मंथ और हो जाएंगे, मेरे एक्सपीरियंस 2.5 ईयर्स का हो जाएगा, 2 ईयर्स का हो जाएगा। बच्चे एंटर योर वर्क एक्सपीरियंस एज ऑन जुलाई 31st जुलाई 2022 तक का ही आपको वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे डालना है। ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन मस्ट बी एंटर्ड, ठीक है। फिर पार्ट टाइम, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, प्री ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस शुड नॉट बी एंटर्ड एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वर्क एक्सपीरियंस। प्लीज एंटर द एग्जैक्ट डेट यू स्टार्टेड वर्किंग इन एन इंडस्ट्री एंड द डेट यू फाइनली एग्जिटेड द पर्टिकुलर इंडस्ट्री। मोर एवर प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ डेज यू टेम्पररली एग्जिटेड द पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड द ब्रेक एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपसे पूरी डिटेल्स मांगी हुई है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन में बोलती हूँ और मैंने यहाँ पे स्टार्ट डेट की जस्ट सपोज यहाँ से, तो एंड डेट, अब देखो अगर आप यहाँ पे एंड डेट देखें तो एंड डेट आपके पास में जुलाई के बाद कोई डेट नहीं है, मतलब 31st जुलाई तक ही आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आप डाल सकते हो, राइट। आई थिंक ये चीज क्लियर है आपको। अब कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये सेव एंड नेक्स्ट में डेटा सेव सक्सेसफुली। अब प्रोग्राम्स, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आप कौन से प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हो। तो बच्चे आपके पास दो सजेशन है, या तो आप बहुत ध्यान से एक एक प्रोग्राम देखो कि आप किसके लिए एलिजिबल हो, आप उसके लिए ट्रिक टिक करो और वहां पे आप इंटरव्यू सिटीज के लिए वहां पे क्लिक करो, ठीक है। या फिर अगर आप देखो सेलेक्ट ऑल करते हो तो जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम्स है जो आपके आईएम्स के थ्रू ऑफर किए जाते हैं वो सारे प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा डाउट है कि मैम कोई प्रोग्राम मुझसे छूट ना जाए तो आप यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर सकते हो, और सेलेक्ट ऑल करके आपके सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी आईएम्स हैं, 20 आईएम्स में आपके सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं, हो जाएंगे। नहीं तो आप इंडिविजुअल पे भी जा सकते हो अगर आपको और ज्यादा प्रोग्राम नहीं डालना है, लाइक आपको पीजीपी करना है। बट अगर आपसे मिस्टेक होने के चांसेस हैं तो रिस्क मत लो, सेलेक्ट ऑल कर लो। सेलेक्ट ऑल करने के बाद आपको यहाँ पे इंटरव्यू सिटीज आपको सारी डालनी पड़ेगी वन बाय वन। तो आपकी जो जो भी प्रेफरेंसेस हैं, मैं सिंपल यहाँ पे, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट ऑल किया है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट ऑल किया है तो मुझे यहाँ पे सारी इंटरव्यू सिटीज फिल करनी पड़ेगी। आप लोग अपनी इंटरव्यू सिटी बहुत ध्यान से करना, ठीक है, देखो बहुत ध्यान से करना क्योंकि कहीं पे भी आपके पास मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कई बार आप लोग गलती से या जल्दबाजी में आपने कोई सिटी ऐसे फिल कर दी जहाँ पे आप उस टाइम पे जा नहीं सकते। वैसे तो इंटरव्यू आएगा तो ऑब्वियसली हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी सारी इंटरव्यू सिटी फिल करनी है। मैं यहाँ पे फिल कर देती हूँ फटाफट। तो मैंने वहां पे प्रोग्राम्स एंड जो इंटरव्यू सिटी है वो वहां पे मैंने एंटर कर दी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारी डिटेल भर दी है। अब आपको जो टेस्ट सिटी है वो आपको बहुत ध्यान से भरनी है कि आप कौन सी सिटी में कौन सा, मतलब कहाँ पे फिल करने वाले हो। तो जस्ट सपोज अगर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ राजस्थान अजमेर, दूसरा मैंने डाल दिया, मतलब आपको बहुत ध्यान से ये टेस्ट सिटीज जो है वो आपको फिल करनी है। आप ये देख के कि आप उस टाइम के आसपास कहाँ पे रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हाई चांसेस होता है कि आपके फर्स्ट सिटी या सेकंड सिटी में से आ सकता है। तो आपको 6 के 6 सेंटर थोड़ा ध्यान से भरना, स्पेशली फर्स्ट 2 सेंटर्स, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग आ गए पेमेंट वाले पेज पे। डेटा सेव सक्सेसफुली। यहाँ पे कैंडिडेट नेम, अगर मैं जनरल कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करती हूँ तो मुझे पे करना होगा 2300 रुपीज। तो आप यहाँ पे देखो 2300 रुपीज आप पे कर सकते हो। ट्रांजेक्शन चार्जेस की फी यहाँ पे दी हुई है, नल है। आप कोई भी, कई बार बच्चे ये पूछते हैं दीज आर द जस्ट गेटवे, आप कोई सा भी गेटवे, पेमेंट गेटवे यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और जब मैंने यहाँ पे कैप्चर डाला तो 4BMWW8E, ठीक है, अच्छा कैप्स लॉक ऑन था, तो 4BMWW8E ये मैंने यहाँ पे डाला। प्रीव्यू कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो प्रीव्यू में आपको अपनी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, क्या आपका नाम है, ठीक है, आपकी जितनी भी एप्लीकेशन डिटेल्स हैं वो आपको सारी यहाँ पे आ जाएंगी बच्चे आपके पास में। तो आप ये चेक कर, तो ये सारी डिटेल चेक करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है।
सबमिट करेंगे तो आप लोग पेमेंट के पेज पे आ जाएंगे। मुझे पेमेंट नहीं करना है क्योंकि जस्ट मैंने आप लोगों को शो करने के लिए फॉर्म फिल किया था। तो आप लोगों की सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे बच्चे शेयर कर दी, कैसे कैसे आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। तो प्लीज आप लोग अपने फॉर्म को अच्छे से फिल कीजिए। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझे रीच आउट कर सकते हो ऑन माई गिवन ईमेल आईडी जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, growtogether68@gmail.com। ठीक है, आप मुझे यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैं यहाँ पे डालूंगी। बट प्लीज अपना फॉर्म अच्छे से फिल करिए। स्टिल आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज मुझे मेल कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। यस डेफिनेटली आई विल गिव द आंसर ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस। चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको अच्छे से हेल्प मिली है इसमें और आप अपने फॉर्म को अच्छे से फिल करोगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।